हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसे कि आप सभी जानते हैं, जो मेरी पुरानी वीडियोस जिसने देख रखा है, जो मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, उन सबको पता है। मेरे व्यूवर्स को जितने भी आते, कम आते, ज़्यादा आते, जो भी मेरी फैमिली से, उसको मैं अपने दिल से प्यार करता हूँ। और आप सबको पता है, मैं होटल इंडस्ट्री से आता हूँ। होटल इंडस्ट्री में एज अ सेफ किचन डिपार्टमेंट के अंदर मैं काम करता हूँ, उसके रिगार्डिंग मैं सारी वीडियोज़ बनाता हूँ। और जो नए हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे तरफ से वेलकम और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मुझे नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा वीडियो बनाना चाहिए। और आज का थंबनेल आप देख चुके होंगे कि करियर ऑप्शन क्या है, होटल इंडस्ट्री के अंदर क्या करियर ऑप्शन हो सकता है, और आफ्टर IHM, आफ्टर होटल मैनेजमेंट आपको कौन सा करियर लेना चाहिए। इसके लिए मैंने बताया, एज अ सेफ बनने के लिए इंडियन सेफ बेटर रहेगा या कॉन्टिनेंटल कुजिन के सेफ बेटर रहेंगे इंडिया और एब्रॉड। तो उसके रिगार्डिंग आज हम वीडियो बनाएंगे कि हमें किस चीज़ में करना चाहिए। हमें मीन्स ऑलरेडी मैं क्वांटिटी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ, एज अ क्वांटिटी सेफ काम करता हूँ। पर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका करियर ऑप्शन क्या है, वो आपको चूज़ करना है। लास्ट में आपको जो आपको समझ में आता है, जो आपको करना चाहते हो, आप वही कीजिएगा। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा कुजिन बेस्ट है और कौन सा कुजिन कौन से कंट्री में बेस्ट है और कहाँ पर बेस्ट है, उसका नॉलेज क्या है, उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं, इंडियन कुजिन वर्सेस कॉन्टिनेंटल कुजिन, विच कुजिन इज द बेस्ट फॉर योर करियर ऑप्शन एज अ सेफ। ठीक है, आज हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कुजिन। ठीक है, इंडियन कुजिन क्या होता है और कॉन्टिनेंटल कुजिन क्या होता है, उसके लिए बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं इंडियन कुजिन। इंडियन कुजिन क्या होता है, जो चीज़ हम बचपन से इंडिया के अंदर रहे, पले हैं, बड़े हुए हैं। मैं एज नेपाल से बिलोंग करता हूँ, पर मेरा बाय बर्थ मैं इंडिया से हूँ। तो जैसे इंडिया में आपको पता है, नमक का टेस्ट क्या होता है, मर्च रेड चिली पाउडर टेस्ट क्या होता है, टर्मरिक पाउडर का टेस्ट क्या होता है, जीरा क्या होता है, सब कुछ आपको ऑलमोस्ट बचपन से आप खा रहे हो, वही चीज़ आप बना रहे हो। तो इसमें इतना मेथड या इतना साइंस नहीं है इंडियन कुजिन के अंदर कि आपको सीखना पड़ेगा। वो फोटो आपका पहले से ही आपके घर पे बना रहे, आपकी मम्मी एज आपकी बेस्ट सेफ है, बेस्ट कुक है। मेरी तो मेरी मम्मी इंस्पिरेशन है इसके लिए, आपकी मम्मी की पता नहीं ये नहीं है, बट मेरी मम्मी मेरे लिए इंस्पिरेशन है एज अ सेफ बनने के लिए। तो वो ऑलमोस्ट पहले से इंडियंस के अंदर रहता ही है कि उनको इंडियन का टेस्ट पता होता है, उनका इंडियन का नॉलेज पता होता है। चाहे छोटे रेस्टोरेंट हो, चाहे बड़ा रेस्टोरेंट हो, चाहे फाइव स्टार हो, आपको वही बनाना होता है जो आप पहले से बना रहे हो घर के अंदर, जो पहले से आपको इंडियन टेस्ट पता है। वही बात करें तो कॉन्टिनेंटल कुजिन, कॉन्टिनेंटल कुजिन एक फ्रेंच कुजिन है जो विदेशों में चलता है ऑलमोस्ट, जो सिर्फ किचन में चलता है, फ्लाइट किचन में चलता है, फाइव स्टार सेवन स्टार होटल में चलता है, एब्रॉड साइड चलता है, जो कि अभी इंडिया के अंदर भी लोग उसे प्रिफेर करना लगे हैं, उसे यूज़ करने लगे, उसे खाने लगे, चाहने लगे कॉन्टिनेंटल कुजिन को। आज इंडिया के अंदर भी एक कॉन्टिनेंटल कुजिन का बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। तो वही बेस पे आपको मैं बता रहा हूँ कि इंडियन कुजिन और कॉन्टिनेंटल कुजिन में थोड़ा बहुत माइनर ही है, दोनों एक ही लेवल में, ना इंडियन वो अप है ना कॉन्टिनेंटल अप है, दोनों एक ही लेवल में है होटल इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं उसी चीज़ में बात करना चाहता हूँ, बस फर्क इतना है, इंडियन कुजिन आप पहले से वो चीज़ को आप खा रहे हो, वो चीज़ का टेस्ट आपको पता है। कॉन्टिनेंटल कुजिन में टाइप ऑफ सॉस आते हैं, टाइप ऑफ मेथड आते हैं, ग्रिलिंग फ्लाइंग आता है, सब कुछ, कुकिंग का तरीका अलग होता है, कॉन्टिनेंटल प्रेजेंटेशन अलग होता है। इसके लिए कॉन्टिनेंटल में थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, थोड़ा अपना टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को, कॉन्टिनेंटल कुजिन को, तब जाके आप कॉन्टिनेंटल के सेफ बन सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और अब आपको क्या चूज़ करना है वो आपके ऊपर है, आफ्टर होटल मैनेजमेंट। अब ये मत सोचिए कि हम बचपन से इंडियन कुजिन बना रहे हैं, इंडियन कुजिन खा रहे हैं, इंडियन खा रहे खाना वही देसी तड़का है, देसी तो स्वाद है जो हम बचपन से घर पे खा रहे हैं, वो सीखने में कौन सा टाइम लगेगा या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वो मत सोचिए आप कि कॉन्टिनेंटल कुजिन। देखिए इंडियन कुजिन क्या होता है, एकदम सिंपल कुजिन रहता है, बाय टेस्ट ऑफ इंडिया रहता है, सिंपल कुजिन रहता है, जो इंडिया के मसाले वगैरह है वो सब उसमें रहते हैं। और कॉन्टिनेंटल कुजिन वहीं पर ही आप देखोगे तो बहुत अट्रैक्टिव होता है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अलग होता है, उसकी गार्निशिंग बहुत अलग होती है, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, वो देखते ही आपको आंखों में बस जाएगा, ऐसा उसका गार्निशिंग उसका प्रेजेंटेशन होता है। तो आप ये जज मत कीजिए कि कॉन्टिनेंटल कुजिन दिखने में अच्छा है, उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, उसकी गार्निशिंग अच्छी है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो हमें कॉन्टिनेंटल कुजिन में जाना चाहिए। वो मैटर नहीं करता है कि आप क्या देखते हो, कहाँ जाते हो, वो मैटर करता है कि आपका फोटो क्या है, आप किस चीज़ में बेस्ट हो, फ्यूचर आपको बेस्ट से देखा जाता है, ना कि तुम्हारी क्या पसंद है उससे देखी जाती है। तुम किस चीज़ को चाहते हो, क्या चीज़ तुम बना सकते हो, उसमें डिपेंड करता है कि अपना फ्यूचर किस में बनाना है आपको। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट, बाकी जो जूनियर है, जो ट्रेनिस है, जो सीख रहे एज अ, मैं भी कोई एक सीनियर सेफ वगैरह नहीं हूँ, मैं कॉन्टिनेंटल में काम कर रहा हूँ, मेरे को भी होटल इंडस्ट्री के अंदर 3 से 3.5 साल हो चुके हैं।
3 and 3.5 hours ईयर्स हो चुके हैं मुझे भी होटल इंडस्ट्री के अंदर, ना मैं कोई बड़ा सेफ हूँ कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप हेल्पर है या आप ये सीखिए मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं उसमें नहीं बोलता हूँ, जो फैक्ट है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने नॉलेज लिया है, मैंने इंडियन में भी 6 महीना काम किया था, पहले 6 से 7 महीना मैंने भी इंडियन में काम कर चुका हूँ, बट पहले से मुझे कॉन्टिनेंटल कुजीन कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इंडियन टेस्ट आता है पर कॉन्टिनेंटल कुजीन मुझे कुछ अलग ही लेवल ले जाता है। कोई भी एक सिंपल सी डिश भी बनाता कॉन्टिनेंटल की तो मुझे कुछ अलग ही फील होता है, इसके लिए जो मुझे फील होता है मैं वो काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ, जो आपको फील होता है वो काम कीजिए, आप ये डिसाइड मत कीजिए कि आपको कौन से कंट्री में जाना है कौन से नई कंट्री में जाना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसे एब्रॉड आप जाओगे तो एब्रॉड इंडियन कुजीन की ज़्यादा वैल्यू है कॉन्टिनेंटल कुजीन से, फर्स्ट तो वो है। क्यों? क्योंकि एब्रॉड में कॉन्टिनेंटल कुजीन हर कोई बनाता है, वो एब्रॉड का ही खाना है, वो विदेशों का ही खाना है, फ्रांस का है क्योंकि, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सब बनाते हैं कॉन्टिनेंटल कुजीन, तो उन लोग को सेफ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंडिया से हायर नहीं करते, वो इंडिया से हायर करते हैं एज इंडियन सेफ, जो इंडिया का सेफ होता है, जो इंडियन सेफ होता है, जो पंजाबी खाना बनाता है पर्टिकुलर इंडियन खाना बनाता है उसे वो लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि उन लोग के पास इंडियन टेस्ट का नॉलेज नहीं होता है, तो एब्रॉड जाने के लिए, फ्रांस जाने के लिए, बाहर जाने के लिए इंडियन कुजीन ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और वहीं इंडिया के अंदर कॉन्टिनेंटल कुजीन के लिए प्रीफर किया जाता है। और रही बात कि आपको कॉन्टिनेंटल, अगर आप ये सोचते कि इंडिया को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है इंडियन सेफ को, तो हम इंडियन ही कुजीन बनाए तो ये नहीं है, कॉन्टिनेंटल को भी प्रीफर किया जा सकता, जैसे मालदीव्स हो गया, दुबई हो गया, एब्रॉड हो गया, फ्रांस हो गया, आपके अबू धाबी हो गया, ये सब जगह में कॉन्टिनेंटल कुजीन चलता है। जैसे आपका क्या बोलते हैं, शिप में आप काम करते हो, क्रूज वगैरह में काम करते हो, क्रूज किचन में आप काम करते हो तो भी आपको कॉन्टिनेंटल में ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, और फ्लाइट किचन में काम करते हो तो भी आपको कॉन्टिनेंटल ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एब्रॉड के गेस्ट आते हैं, इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं, तो वो लोग मोस्ट ऑफ दी उनका जो रेगुलर फूड होता है वो लोग वही खाते हैं, वही हेल्दी फूड वगैरह खाते हैं, जो कॉन्टिनेंटल में हेल्दी फूड वगैरह भी मिलता है, हेल्दी कुजीन भी होता है कॉन्टिनेंटल में, तो उस हिसाब से आप देखिए आपको किस में करियर में जाना है, आपका क्या बेस्ट है, आप एक्सपीरियंस कीजिए, आफ्टर होटल मैनेजमेंट में आप ट्रेनिंग लीजिए, 2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है। बाकी कॉन्टिनेंटल कुजीन क्या होता है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो प्लीज़ ये वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, थैंक यू।